Good morning, students. You are welcome in RCI Education Hub. Today we are going to talk about branchial intercom. Branchial intercom होता क्या है? इससे पहले वाले lectures के अंदर अपन ने जो है respiration, respiratory system के जो organs हैं उनके बारे में बात की थी, respiratory system के अंदर जो organs हैं उनके utility के बारे में बात की थी, special structures के बारे में बात की थी, जिसके अंदर अपन ने बात की थी larynx के बारे में, larynx के बाद में trachea, trachea के बाद में lungs. लंग्स के बारे में बात की थी और लंग्स के स्ट्रक्चर्स भी अपन ने देखी थी. दोनों लंग्स के अंदर अपन ने कंपैरिजन किया था. ट्रैकिया की भी जो स्ट्रक्चर देखी थी उनके अंदर ये भी देखा था कि सीशियम कार्टिलेज किस रिंग की होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, ऑल दैट. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रैंकियल इंटरकोम. ब्रैंकियल इंटरकोम होता क्या है? अपन ने देखा है कि ट्रैकिया जो है लंग के अंदर एंट्री करती है. जहाँ से लंग के अंदर ये एंट्री करती है दैट इज नोन एज हायलम. ट्रैकिया जो है लंग के अंदर एंट्री करती है, उससे पहले डिवाइड करती है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंकिया. ब्रोंकिया जो है हाइलम से एंट्री करती है, देन फर्दर रैपिडली डिवाइड करती रहती है. प्राइमरी ब्रोंकिया है, सेकेंडरी ब्रोंकिया है, सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकिया है, टर्सरी ब्रोंकिया है, फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स जो है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और फाइनली जाकर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर से जो है जुड़ जाती है. उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को जो है अपन एल्वियोलाई बोलते हैं या फिर एल्वियोलाइयर सैक बोलते हैं. तो अपन ने देखा है कि ब्रोंकिया जो है रैपिडली डिवाइड कर रही है. प्राइमरी ब्रोंकिया इज डिवाइडिंग रैपिडली और द प्राइमरी ब्रोंकिया इज ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग. दैट पैटर्न इज नोन एज ब्रैंकियल इंटरकोम. उस पैटर्न को जो है अपन ब्रैंकियल इंटरकोम बोलते हैं. अब जो है ये चीज अपन डायग्राम के अंदर देखते हैं. डायग्राम के अंदर अपन देख रहे हैं दैट इज अ ट्रैकिया. ये ट्रैकिया है. ट्रैकिया जो है फिर फर्दर दो ब्रोंकिया के अंदर डिवाइड हो गई है. सो दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकिया. प्राइमरी ब्रोंकिया जो है फिर जो है सेकेंडरी ब्रोंकिया के अंदर डिवाइड हो गई है. दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकिया. सेकेंडरी ब्रोंकिया फिर फर्दर ब्रोंकिया के अंदर डिवाइड हो रही है, दैट इज टर्सरी ब्रोंकिया. तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है, ये कार्टिलेजिनस जो रिंग पाई जा रही है वो केवल टर्सरी ब्रोंकिया तक पाई जाती है. ट्रैकिया में पाई जाएंगी, प्राइमरी ब्रोंकिया के अंदर पाई जाएंगी, सेकेंडरी ब्रोंकिया के अंदर पाई जाएंगी और टर्सरी ब्रोंकिया के अंदर पाई जाएंगी. बट जैसे ही टर्सरी ब्रोंकिया आगे जाकर ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर किसी भी प्रकार की कार्टिलेजिनस शी शेप्ड रिंग नहीं पाई जाती है. दे आर फाउंड टिल द टर्सरी ब्रोंकिया. उसके बाद भी एब्सेंट होती है. अभी जो टर्सरी ब्रोंकिया है उसके बाद में ये टर्सरी ब्रोंकिया आगे जाकर फिर से रैपिडली डिवाइड कर रही है, फिर से पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रही है. उनको अपन ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रोंक्यूल्स होते क्या हैं. दीज आर फाइन ट्यूब्स एंड दीज आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ टर्सरी ब्रोंकिया. टर्सरी ब्रोंकिया के डिवीजन के बाद में फॉर्म होती हैं और ब्रोंकिया के अंदर किसी भी प्रकार की शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग पाई नहीं जाती है. अब इसके बाद में जो ब्रोंकियोल्स होती हैं फिर फर्दर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं. टर्मिनल ब्रोंकियोल्स क्या होती हैं? ऐसी ब्रोंकियोल्स जो कि एल्वियोलर सैक के पास में पाई जा रही है. ऐसी ब्रोंकियोल्स जो कि एल्वियोलर सैक के अंदर सैक के पास में पाई जा रही है, द ब्रोंकियोल्स आर नोन एज टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद में फिर आती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स. रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स क्या होती हैं? ऐसी ब्रोंकियोल्स जो कि एल्वियोलर सैक से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं. द ब्रोंकियोल्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एल्वियोलर सैक, द ब्रोंकियोल्स आर नोन एज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स. तो अब अपन ने जो है ट्रैक किया प्राइमरी ब्रोंकिया, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ब्रोंकियोल्स के बारे में बात कर ली है. अब हम बात करते हैं एल्वियोलर सैक के बारे में कि एल्वियोलर सैक क्या होता है. एल्वियोलर सैक जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, बोरे जैसे स्ट्रक्चर होती है, वो छोटी सी फाइन पॉलिथीन जैसे स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर जो भी अपन एयर इनहेल कर रहे हैं वो सबसे पहले ट्रैकिया के थ्रू होती हुई पहले ट्रैकिया के अंदर आ रही है, फिर प्राइमरी ब्रोंकिया है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकिया है, फिर टर्सरी ब्रोंकिया है, फिर जो है ब्रोंकियोल्स के होते हुए एयर किसके अंदर आती है, एल्वियोलर सैक के अंदर. जैसे ही एल्वियोलर सैक के अंदर आती है जो लंग है उसका जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. अब जैसे ही एयर एल्वियोलर सैक के अंदर आती है, एयर इसके अंदर आने के बाद में फिर गैसेस एक्सचेंज होता है. एल्वियोलर सैक से ही एल्वियोलर सैक की मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी, दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी. ये कैपिलरी की मेम्ब्रेन है. दोनों मेम्ब्रेन जो है वो आपस में मिलकर क्या बना रही है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी मेम्ब्रेन है? एक तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन और एक कैपिलरी मेम्ब्रेन. दोनों मेम्ब्रेन मिलकर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बना रही है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फिर गैसेज एक्सचेंज होता है.
गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है कि जो है एनुअल एयर के अंदर तो ऑक्सीजन गैस है, अपन ने ऑक्सीजन इनहेल की है, बट जैसे ही ब्लड के थ्रू जो गैस आई है, हार्ट से ब्लड के थ्रू जो है कैपिलरीज के थ्रू जो गैस आई है वो कौन सी गैस है? CO2। तो जो एल्वियोल के अंदर CO2 तो आ जाती है और एल्वियोल के अंदर जो भी ऑक्सीजन गैस थी वो ब्लड के साथ में ऐड होकर वापस कहाँ चली जाती है? हार्ट के अंदर। और हार्ट के अंदर जाने के बाद में ये जो ऑक्सीजन गैस है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। फिर इसमें बता रहा हूँ आपको ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है आगे चलकर प्राइमरी ब्रोंकिया के अंदर डिवाइड हो रही है, देन प्राइमरी ब्रोंकिया आर डिवाइडिंग इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकिया, सेकेंडरी आर डिवाइडिंग इनटू टर्शियरी ब्रोंकिया, एंड टर्शियरी ब्रोंकिया इज आर डिवाइडिंग इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स हैव नॉट कार्टिलेजिनस फ्लैप्स, इनके अंदर किसी प्रकार के कार्टिलेजिनस फ्लैप नहीं पाया गया है। ब्रोंकियोल्स जो है आगे जाकर टर्मिनल ब्रोंकिया के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, टर्मिनल जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं वो आगे जाके सैक से मिल रही हैं, एंड दैट सैक इज एल्वियोलर सैक। एक एल्वियोलर सैक जो है मिनिमम 8 से 10 एल्वियोलर से मिलकर कंसिस्ट होता है। सपोज दैट दिस इज द एल्वियोलस, ऐसी 8 से 10 स्ट्रक्चर मिलकर जो है आपस में एक सैक को बना रही है, उस सैक को अपने क्या नाम दे रखा है? एल्वियोलर सैक। ये एल्वियोलर की मेम्ब्रेन है, दिस द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर, और इसके बाहर जो एक मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है दैट मेम्ब्रेन इज ऑफ कैपिलरी। दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिलकर जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बना रही है, और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। तो जहाँ पे भी गैस एक्सचेंज हो रही है वो गैस कहाँ पे एक्सचेंज हो रही है? एल्वियोलर के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। तो अब तक जो है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स के बारे में बात कर लिया है, जो भी ऑर्गन के जो फंक्शन थे उनके बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म, किस तरीके से जो है पूरी प्रोसेस होती है। इस पूरी प्रोसेस के बारे में जो है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।